गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन योर चैनल। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उनके नोट्स तैयार कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा होगा, समझा होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि इकोनॉमिक्स में ये डेवलपमेंट वाली बुक तो बहुत ईजी है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। बस थोड़ा सा वीडियो देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए तो बहुत इजी लगेगा। इसके अलग कुछ नहीं आना है एग्जाम में, बस तैयारी करते रहें। लगभग कंप्लीट चैप्टर करा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बस आपको थोड़ा डिटेल अगर पढ़नी है तो उसी के लिए बुक पढ़ लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से मार्क्स आपके आ जाएंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 to 1990। अब इससे पहले एग्रीकल्चर पढ़ा था, आज इंडस्ट्री पढ़ते हैं। इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। 1947 से 1990 तक की स्टडी कर रहे हैं, उस बीच में इंडस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस थी हमारी इकोनॉमी के लिए वो हमें पढ़ना है। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, अलग बुक पढ़ेंगे तो उनमें कुछ अलग भी मिल सकते हैं। बस आप अलग भी ये आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको कोई और पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो उन्हें भी लिख सकते हैं एग्जाम में, उन्हें भी तैयार कर सकते हैं, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक ही ध्यान रखनी है कि अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री की 1947 से 1990 तक कितने, उस बीच में कितना रोल रहा है इंडस्ट्री का, यानी कि हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि आज की डेट की आप लिख दें या कुछ बहुत 1947 से पहले की बात लिख दें, ऐसा नहीं कि बस यहाँ जो हमने ये लिखा है, ईयर लिखा है, तो इसके बीच का हमें फोकस करना है उन बातों पर। तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, इसके 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्री एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का अधिकेंद्र, कहने का मतलब है एक सेंटर था, यानी कि जहां से ग्रोथ हो वो साबित हुआ इंडस्ट्री, क्योंकि इससे पहले एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी पूरी इकोनॉमी। इकोनॉमी में 72% लोग एग्रीकल्चर पर लगे हुए थे जब इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा इंडिया। तो अब धीरे धीरे जब प्लानिंग हुई तो उसके बाद इंडस्ट्री पर फोकस हुआ, तो इंडस्ट्री जब से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होने लगी तो इकोनॉमी में काफी चेंज आ गया, तो इसलिए इसे ग्रोथ का एपिसेंटर माना जाता है। जीडीपी राइजेस एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी भी बढ़ा और जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का बदलता नजर आया, स्वरूप बदल गया इकोनॉमी का। इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्री ने क्या स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर जो पहले एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन माना जाता था, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका इंजन एग्रीकल्चर माना जाता है। क्यों इसलिए माना जाता था कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से हो रहा था, सबसे ज्यादा जीडीपी सारा एग्रीकल्चर से मिल रहा था, क्योंकि लोग ही एग्रीकल्चर पे वर्क कर रहे थे, तो इसलिए उसे इंजन माना जाता था इकोनॉमी का। लेकिन यहाँ जब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्री से ज्यादा जीडीपी मिलने लगा, तो उसे ये रिप्लेस हो गया, एग्रीकल्चर की जगह अब इंडस्ट्री इंजन बन गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरी बात है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार का साधन बन गया, यानी कि इंडस्ट्री जो है एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन बन गया, सोर्स बन गया। एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन
यानी कि एग्रीकल्चर पहले से ही ओवरबर्डन था, उसमें बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था, एंड लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली, और जो लेबर फोर्स थी हमारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बढ़ रही थी, जिससे लेबर फोर्स बढ़ रही थी, काम करने वाले लोग बढ़ रहे थे लेकिन काम नहीं मिल रहा था तो वो बढ़ रही थी। उसके लिए जब इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ तो इंडस्ट्री बढ़ी ज्यादा मतलब विकसित हो गई, तो उससे क्या हुआ, रोजगार मिलने लगा लोगों को। तीसरी बात, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग में, खेती में मशीनों का उपयोग, उसका भी साधन बना। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग यानी कि इंडस्ट्री बढ़, जब इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ तो उससे क्या है, बहुत सारे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सारी मशीनें हमें कहां से मिली, इंडस्ट्री से मिली। इन द फार्मिंग के लिए हैज बिकम पॉसिबल ओनली ओइंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, केवल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से, विकास होने से, विकसित होने से ही ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई, जिससे हमारा क्या हुआ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और कह सकते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारी कंट्री तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस हो गई। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, जहां अर्निंग होती है, जहां लोगों का इनकम होती है, तो वहां सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का विकास होता है। तो पहले लोग खेती में लगे हुए थे तो बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं थी, तो उनके पास नई चीजें नहीं थी, नए साधन नहीं थे, तो जो सिविलाइजेशन था उतना यानी सभ्यता का उतना विकास नहीं हो रहा था। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होने की वजह से जो इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया, तो उससे इनकम होने लगी लोगों को, रोजगार मिलने लगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिला, जिससे क्या हुआ कि एक नई सभ्यता का विकास हुआ। और इसे थोड़ा सा देख लीजिए, पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। जब लोगों की को रोजगार मिला तो वो अपने सचेत हो गए, कॉन्शियस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे। जब इनकम होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि उन्हें कुछ, मान लो किसी के पास टीवी नहीं था, टीवी की जरूरत पड़ने लगी तो टीवी लेने लगे, किसी को बाइक चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, तो कहने का मतलब है उनको अपनी नीड्स पूरी होने लगी, तो ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए सचेत हो गए। और इसके साथ साथ उन्होंने हार्ड वर्क और ज्यादा हार्ड वर्क करने लगे, जिससे कि वो एजुकेशन और स्किल्स का डेवलपमेंट अपने अंदर ज्यादा कर सकें, यानी कि ज्यादा अच्छी एजुकेशन ले सकें और अपने बच्चों को दे सकें। तो इस तरह से ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब इंडस्ट्री बनेगी तो उसमें कुछ गुड्स एंड सर्विस गुड्स बनेंगे, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का भी होगा डेवलपमेंट, और उनके लिए ऑर्डर लिए जाएंगे, दिए जाएंगे इधर उधर, तो कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट होगा। जब इनकम होगी तो बैंकिंग भी होगी और इंश्योरेंस भी होगा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ साथ अपने आप ही बढ़ता चला गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड पावर, या पावर का मतलब है एनर्जी, बिजली का निर्माण ज्यादा हुआ, और इट मींस बोथ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंटरलिंक्ड। तो इससे ये समझ में आता है कि, या ये बात, इसका मतलब ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दूसरे से संबंधित हैं। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स हमने ये आपको समझा दिए हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसे ध्यान से इनका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और इन्हें समझें। इसके बाद फिर आगे अगला
कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब है दूसरा कॉन्सेप्ट, फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पहले इंपॉर्टेंस पढ़ लिया आपने इंडस्ट्री की, अब यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है स्टेट का, मतलब है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का, यानी कि स्टेट्स का मतलब यहां स्टेट का मतलब समझेंगे आप गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्यों जरूरी समझा गया, उसके 3 पॉइंट्स हैं क्यों जरूरी समझा गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे क्यों आना पड़ा। इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। देखिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस टाइम 1947 में, उसके बाद जो आगे इकोनॉमी बढ़ी, तो उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो थी कि उस टाइम कैपिटल नहीं थी, पूंजी नहीं थी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, वहां वो प्रॉब्लम थी। तो कैपिटल की कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल। इसके कुछ रीजन लिख रखे हैं, इट नीडेड अ बिग पुश, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इंडस्ट्री उस टाइम क्या जरूरत थी इंडस्ट्री को, एक बिग पुश यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत थी। उस टाइम हमारे देश की, हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत थी, बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत थी जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। ओनली टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल हाउसेस, यानी केवल दो ही उस टाइम इंडस्ट्रियल जो एस्टैब्लिश, जो अच्छे से एस्टैब्लिश थे, वो दो ही हाउस थे, वो थे टाटा एंड बिरला। ये दो ही हाउस इंडस्ट्री में थे उस टाइम, जिनकी प्राइवेट इंडस्ट्री थी बड़ी बड़ी, और उसके अलावा कोई प्राइवेट इंडस्ट्री बड़ी नहीं थी वहां। सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द स्टेट, इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया गवर्नमेंट के लिए टू अचीव इट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर को अंडरटेकिंग का मतलब पब्लिक सेक्टर को उसमें आना जरूरी हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेना जरूरी हो गया जिससे कि इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर सके। तो ये कैपिटल की कमी को दूर करने के लिए ये गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूरी माना गया। दूसरा है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, यानी कि इच्छा लो यानी प्रोत्साहन नहीं था, लोगों को इच्छा नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की, लोग एम्फसाइज नहीं हो रहे थे, यानी प्रोत्साहित नहीं हो रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो रहे थे, उनका मन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, उसके कारण क्या थे, जिसके पास पैसा था भी वो इंडस्ट्री में लगाना नहीं चाहते थे, इसका कारण क्या था। ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट का छोटा साइज होना, कहने का मतलब मार्केट में डिमांड कम होना, पहला कारण। लिमिटेड साइज वाज ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड, लिमिटेड साइज छोटा मार्केट का इसलिए था, मार्केट का आकार इसलिए कम था क्योंकि डिमांड कम थी, और दस There was a vicious circle operating only a big push of public investment. तो इसलिए यहां पर एक vicious circle operate हो रहा था। vicious circle मतलब दुष्चक्र कहते हैं। vicious circle का मतलब है कि ऐसा चक्र जिसमें से आदमी मतलब फंस जाए जो भी चीज, वो फिर निकलना मुश्किल हो जाए, तो उसे vicious circle बोलते हैं। तो vicious circle किसका operating हो रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि डिमांड कम थी तो मार्केट छोटा था, मार्केट बढ़ नहीं सकता था क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ती थी, तो एक दुष्चक्र हो गया था। तो ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
कुड ब्रेक दिस विशेष सर्कल, केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ही इसको दूर कर सकता था, इससे बाहर निकल सकता था, तो इसलिए गवर्नमेंट का आना जरूरी समझा गया। तीसरा पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी कि अब ग्रोथ हो तो वो सोशल जस्टिस के साथ हो, सामाजिक न्याय के साथ हो। क्या होता है कि अगर कोई भी पब्लिक जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, कोई भी प्राइवेट उद्योगपति है, तो वो क्या करेगा, कभी भी इंडस्ट्री लगाएगा तो अपना फायदा चाहेगा, वो सामान्य जनता का फायदा नहीं चाहता, वो सबको रोजगार देने की नहीं सोचेगा, वो तो वो सोचेगा कि कम से कम लोगों को रोजगार देके मेरा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ही एक ऐसा काम कर सकती थी जिससे कि सोशल जस्टिस भी हो और साथ में ग्रोथ भी हो। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ ग्रोथ करें हमारी इकोनॉमी, उस इस वजह से भी गवर्नमेंट को यहाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन यानी सीधे गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में कूदना पड़ा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो क्या था उसका, उसके भी दो पॉइंट सीखे हुए, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस विद ग्रोथ, ग्रोथ के साथ यानी इकोनॉमी ग्रोथ आगे भी बढ़े और साथ में सोशल जस्टिस भी हो, ये गवर्नमेंट ने ये सोचा, मतलब ये रियलाइज किया, महसूस किया कि ये ऑब्जेक्टिव तभी हमें मिल सकता है, गवर्नमेंट प्राप्त कर सकती है, कुड अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, अगर गवर्नमेंट खुद इंडस्ट्री में पार्ट प्ले करे, इंडस्ट्री में खुद अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, तभी ये हो सकता था, अगर किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के भरोसे ये काम नहीं हो सकता था। दूसरा, बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये सोशल जस्टिस तभी हो सकता था ग्रोथ के साथ, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, रादर देन इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बल्कि ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, इन्वेस्टमेंट ऐसा जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, ऐसा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी उस टाइम, ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, ऐसी जरूरत थी, और ऐसी जरूरत नहीं थी कि जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट ज्यादा बनाए, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा, मतलब गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अगर गवर्नमेंट इस काम को करे तभी लोगों का भला हो सकता है, तभी एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे जो आवश्यक थे किसके लिए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो आवश्यक थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें जिसने गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट को उसमें आगे आना पड़ा। तो आज यही फिनिश करते हैं, इससे आगे का कल पढ़ेंगे, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच।